Good morning, everyone. Today we will learn subject Hindi. और हिंदी में हम आज क्या सीखेंगे? छोटी ई की मात्रा के रिक्त स्थान, छोटी ई की मात्रा के प्रश्नोत्तर और छोटी ई की मात्रा के मिलते जुलते शब्द. Whenever you get time, you practice these things with your mama and learn to write ई की मात्रा के शब्द, प्रश्नोत्तर, मिलते जुलते शब्द, रिक्त स्थान एंड लर्न ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ छोटी ई की मात्रा. सो नेक्स्ट इज छोटी ई के रिक्त स्थान हम सबसे पहले सीखेंगे. तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग में छोटी ई की मात्रा गि, च में आ की मात्रा टा, र गि टा र गिटार. नेक्स्ट वर्ड इज द में छोटी ई की मात्रा दि, न दिन. तो पहला वह है रिक्त स्थान, खाली जगह, और फिर हम बोलेंगे न में छोटी ई की मात्रा नि, क ल में आ की मात्रा ला, नि क ला. अब हम यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे? तो हम ऊपर से देखेंगे ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिखे लिखे हैं उनमें से हम चूज करके यहाँ खाली जगह में लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे उसमें? द में छोटी ई की मात्रा दि, न दिन, नि क ला. और फिर दिन के नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इस दिन को. नेक्स्ट इज ग में छोटी ई की मात्रा गि, ट आ र गि टा र गिटार. ब ज में आ की मात्रा जा. तो खाली जगह में हमने यहाँ पर अब क्या लिखा ऊपर से देख के? गि टा र. और उसके नीचे क्या किया हमने? एक अंडरलाइन करी है. तो हमारे खाली जगह में हम क्या क्या लिख रहे हैं वापस से हम देखेंगे. नंबर वन, द में छोटी की मात्रा दि, न दिन, अंडरलाइन. न में छोटी की मात्रा नि, क ल में आ की मात्रा ला, नि क ला. नेक्स्ट वर्ड इज ग में छोटी की मात्रा गि, ट में आ की मात्रा टा र गि टा र. और इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे. फिर बोलेंगे हम ब ज में आ की मात्रा जा, ब जा. तो आपको ये सीखना है घर पे और मम्मी के सामने लिखना भी है. नेक्स्ट इज प्रश्नोत्तर, छोटी ई के प्रश्नोत्तर. तो प्रश्न एक पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे हम. आधा क य में आ की मात्रा या, क्या. म त मत, प क ड पकड़, क्या मत पकड़. तो इसका उत्तर क्या हुआ? च में छोटी की मात्रा ची, ड में छोटी की मात्रा अड़ी, य में आ की मात्रा या, ची ड़ी या. म त मत, प क ड पकड़, ची ड़ी या मत पकड़. फिर से बोलेंगे हम प्रश्न एक, क्या मत पकड़. उसका उत्तर क्या होगा? चिड़िया मत पकड़. अब हम दूसरे वाले प्रश्न पे आएंगे. आधा क य में आ की मात्रा या, क्या. र ख रख. उत्तर क्या होगा इसका? ड ल में छोटी की मात्रा ली, य में आ की मात्रा या, ड ली या. र ख रख, द ली या रख. एक बार फिर से हम बोलेंगे प्रश्न दो, क्या रख. उत्तर क्या आएगा इसका? द ली या रख, डलिया रख. इसको आप बार बार अपनी कॉपी में लिखें और याद करें. सारे स्पेलिंग्स लिख लिख कर, सारे प्रश्न उत्तर लिख लिख कर आप याद करेंगे. नेक्स्ट इज मिलते जुलते शब्द, मिलते जुलते शब्द. ख में छोटी की मात्रा खी, ल में आ की मात्रा ला, खी ला. खिला का क्या होगा मिलते जुलते शब्द? म में छोटी की मात्रा मी, ल में आ की मात्रा ला, मी ला. नेक्स्ट इज क व में छोटी की मात्रा वी, क वी.
इसका आंसर क्या होएगा, छ व में छोटी की मात्रा वी, छ वी। तो सबसे पहले फिर से बोलेंगे हम, खि ला मि ला क वी छ वी। एक बार फिर से बोलेंगे हम मिलते जुलते शब्द, खि ला मि ला क वी छ वी। और हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी आप छोटी की मात्रा बोलेंगे तो छोटा साउंड आएगा, जैसे कि खि गि मि वी, ऐसे करके आप ध्यान रखें और अपने मामा को ऐसे ही बोल के आप सुनाएंगे। ओके दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद एंड स्टे सेफ, टेक केयर।